हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो ये दो दिन का वीडियो है और दोनों दिन इतफाक़ से मैंने इवनिंग को ही व्लॉग बनाया, तो मैंने सोचा चलो इसको इवनिंग रूटीन में ही डाल देते हैं, क्योंकि लगभग एक जैसा ही रूटीन रहता है डेली का। तो यहाँ पर अभी सिवान सो के उठ गया है, शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग की चाय हो गई थी। तो चाय के बाद मैं यहाँ पर सिवान को थोड़ा सा रेडी कर रही हूँ, क्योंकि बाहर भैया बैठे हुए थे तो उन्होंने अभी हल्की हल्की धूप आ रही है, तो भैया ने बोला था कि दे दो गोद में, थोड़ी देर बाहर उसको लेके बैठ जाएंगे। तो बच्चे भी ना थोड़ा सा इंगेज रहते हैं और मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाता है अपना, अगर कोई काम करना है तो करने के लिए। तो यहाँ पर बस मैं उसको रेडी कर रही थी। तो चूँकि मौसम तो अभी मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन बच्चों के हिसाब से ठंड हो गई है, तो हम अब इन्हें फुल कपड़े पहना के रखते हैं, सॉक्स वगैरह पहना के रखते हैं, कान में टोपी भी लगा देते हैं अगर हम घर से बाहर कहीं मतलब बाहर जा रहे हैं तो। बाहर वैसे अभी तक हम इनको लेकर भी आउटिंग पर तो नहीं गए हैं कहीं बाहर का, मतलब अभी ऐसे जैसे भैया बैठे हुए हैं तो उन्होंने बोला कि सिवांश को बैठा दो, तो हम बाहर थोड़ी बहुत तो हवा रहती ही है और ठंडी हवा रहती है, तो इस वजह से एज ए प्रोटेक्शन हम इन्हें सॉक्स और टोपी वगैरह लगा देते हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएंगे और इसके बाद ये दूसरे दिन का क्लिप आप देख रहे हो, नहीं नहीं ये उसी दिन का क्लिप है। सिवांश ने थोड़ा दूध गिरा दिया था मेरे ऊपर, तो मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी, मतलब सूट चेंज कर लिया था, और यहाँ पर मेरे हाथ में आप रॉकेट देख रहे हो, तो मैं मच्छर मार रही हूँ। क्या है ना कि वो मॉर्टिन जलाते हैं, पर थोड़ी देर के लिए जलाते हैं, उसके बाद हम मच्छरदानी लगा कर ही सोते हैं, लेकिन अभी हम सोने का समय नहीं था, इवनिंग का ही टाइम था, तो मैंने सोचा कि थोड़े से मच्छर मार देते हैं, क्योंकि बच्चे को मच्छर नहीं काटना चाहिए। और मॉर्टिन फुल टाइम हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि उससे मेरे ही गले में दिक्कत हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है उसका जो धुआँ होता है, जो स्मोक होता है उसका, वो मुझे परेशान करता है, इसलिए मैं बच्चों को भी नहीं यूज करती हूँ, मतलब पूरे फुल लाइट नहीं यूज करते, बस थोड़ी देर के लिए मॉर्टिन जला देते हैं, मच्छर कम हो जाते हैं, फिर उसके बाद मुझे ऐसे मच्छर दिखते हैं तो मैं उसे मतलब रॉकेट से ही मार देते हैं। तो बस यहाँ पर भी सिवांश को लेकर ऊपर आ गए थे हम, तो मैंने कहा मच्छर नहीं लगने चाहिए। तो ये देखिए, फाइनली हमने सिवांश की मालिश कर दिया था, उसके बाद सिवांश कैसे खेल रहा है अपने मतलब हाथ पैर चला के अच्छे से। तो ये होता है, बस थोड़ी देर हम इसके साथ खेलेंगे, फिर इसका मतलब सोने का समय होता है तो वो हल्का सा रोने लगता है, साइन दे देता है कि इसको नींद आ रही है, और फिर हम उसे सुला देते हैं तो वो सो जाता है बहुत अच्छे से, तो उतना परेशानी नहीं होती है। बच्चों के साथ आप एक रूटीन बना लीजिए तो सही रहता है। ये दूसरे दिन का क्लिप आप देख रहे हो, ये मैं और अद्विक यहाँ बैठे हुए थे शाम के समय, वो टीवी भी देख रहा था, और साथ में ये मंकी वाला गेम है, इसको ऐसे उछाल के खेलते हैं, तो इसमें दो टीमें बनती है, एक ग्रीन एक येलो, तो जिसके बंदर पेड़ पर अटक जाते हैं वो जीत जाता है और जिसके नहीं अटकते वो हार जाता है, तो मैं इससे तो अभी तक अटके ही नहीं है, और बच्चों को आइडिया हो जाता है वो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आज हम बना रहे हैं गोभी की सब्जी, सूखी सब्जी बना रहे हैं गोभी की। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी ना शाम के 5:15 बज रहे हैं और मेरी सब्जी वगैरह कट गई है और मैं अभी सब्जी बना के रख दूंगी। वैसे तो 7 बजे तक बनती है सब्जी, लेकिन इस समय घर में कोई नहीं है, मतलब सब लोग पूजा में गए हैं, छठ पूजा आप लोग को पता होगा स्टार्ट हो गया है, तो छठ पूजा मतलब हमारे एक है रिलेटिव करते हैं, मतलब रिलेटिव क्या फ्रेंड्स में है तो करते हैं छठ पूजा, तो उस वहाँ गए हुए हैं, तो आज जो ये कुकिंग का जिम्मा है वो मेरा है, नहीं तो दीदी लोग रहती हैं वही करती हैं, क्योंकि वो सिवांश बहुत परेशान करता है तो मुझसे नहीं हो पाता फिलहाल, तो अभी वो सो रहा है तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा सारे काम छोड़ो, पहले ये सब्जी बनाने का काम कर लो, उसके बाद बाकी काम तो मतलब हो ही जाते हैं धीरे धीरे, वो जग भी जाएगा तो वो हो भी जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे सब्जी चौकने जा रही हूँ और बहुत सिंपल सा बेसिक मसालों के साथ ही हम सब्जी बनाएंगे, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, देखते रहिए। और मैं यहाँ पे ना जो रेसिपी है वो नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि ना मेरा जो फोन है ना मैंने ऐसे रखा हुआ है, ऊपर रखने का भी जुगाड़ नहीं हो पाया है, क्योंकि मेरे पास जो मेरा ट्राइपॉड था वो टूट चुका है, नया लेना है, तो जब वो हो जाएगा तो शायद मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर पाऊंगी, जो वैसे कुकिंग में बहुत कम करती हूँ, बाकी काम हो जाते हैं मुझसे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद सब्जी बनाने के बाद, अगर हो सकेगा थोड़ा बहुत सूट करके आप लोग को दिखा दूंगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी सब्जी बनने वाली थी, तो मैंने सोचा आटा भी लगा के रख देते हैं, मतलब आटा सान के रख देते हैं, फिर जब केवल रोटियाँ बनानी रहेंगी, तो बाकी जब सब लोग आ जाएंगे तो रोटियाँ बन जाएंगी, चाहे हम बना लेंगे चाहे कोई और बना लेगा, जैसा जिसके पास एडजस्ट हो जाएगा टाइम वैसे काम हो जाएगा। तो बस यहाँ पर ही मतलब एक बार सब्जी बन जाती है और आटा मतलब गूंथ जाता है तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है, केवल ये रहता है कि जब जो सब लोग खाने वाले आ जाएंगे, मतलब खाने का टाइम हो जाएगा तो रोटियाँ बन जाएंगी। तो बस यहाँ पर मैं यही कर रही थी, और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग को मेरे ब्लॉग्स कैसे अच्छे लगते हैं, कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं अच्छे लगते हैं, ये बताइएगा। और मुझे एक कमेंट आया था, मैं उसका रिप्लाई भी दे दूँ, कि मुझे एक कमेंट आया था बच्चे की मालिश के ऊपर कि मैं कौन सा तेल यूज करती हूँ। देखिए सर्दियों का समय स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आपके बच्चे को मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल सूट करता है, क्योंकि हर बच्चे को शायद वो नहीं सूट करता है, अद्विक को नहीं सूट किया था लेकिन शिवांश को सूट कर रहा है, तो मैं सर्दियों में मैं सरसों का तेल से मालिश करते हैं। और हफ्ते में एक बार आप सरसों का तेल बना लीजिए, मतलब जैसे उसमें लहसुन और अजवाइन और मेथी हींग ये सब डाल के अच्छे से पका लीजिए, और उसको ठंडा होने पे छान के बोतल में भर के रख लीजिए, तो 15-20 दिन के लिए आप ये तेल बना सकते हैं, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाए, फिर वापस से बना लीजिए। तो हफ्ते में एक दिन या दो दिन अगर आप सर्दियों में इस तेल से मालिश करते हैं तो बच्चों को सर्दी लगने का जो चांस होता है वो बहुत कम हो जाता है, और अगर सर्दी लग भी गई तब भी ये तेल फ़ायदा करता है। तो इस समय तो मैं शिवांश की ऐसे ही मालिश कर रही हूँ, और आई होप ये जो तेल मैंने बताया ये सभी कोई बना लेता है अपने घर में, सभी के घर में बनता ही है, थोड़ा सा हो सकता है चीज़ें अलग होती हों पर लगभग सबके घर में ये तेल बन जाता है, तो कोई इतना वो नहीं है। तो आप इस तेल से मालिश कर सकते हैं। अगर आपको बच्चे को आपके बच्चे को सरसों का तेल नहीं सूट कर रहा है, तब आप ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल जो आता है, बादाम रोगन जो आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑलिव ऑयल या तो फिर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अद्विक को मस्टर्ड ऑयल नहीं सूट करता था, मतलब अगर मैंने उसको एक दो दिन बार मालिश करी तो उसके शरीर पर रेडनेस आ जाती थी, दाने हो जाते थे, तो हम उसके लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते थे या फिर बादाम के तेल का इस्तेमाल करते थे, अधिकतर हमने ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल किया है। तो ये ऐसा मेरा सजेशन है। और गर्मियों के मौसम में आप नॉर्मल नारियल का तेल इस्तेमाल कीजिए, उससे बेटर कुछ नहीं होता है। या फिर अगर आपको नारियल का तेल नहीं समझ में आ रहा है या नहीं यूज करना चाह रहे हैं आप, तो मैंने जो यूज किया था वो हिमालय का बेबी ऑयल था, वो यूज किया था। और आप बच्चे के लिए की मालिश के लिए डाबर का लाल तेल भी यूज कर सकते हैं, वो तो बहुत ही अच्छा है। तो अभी तक हमने बच्चे का शिवांश के लिए डाबर लाल तेल भी यूज किया है, तो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं कपड़े बांध रही थी प्रेस के लिए, और इधर शिवांश भी मतलब थोड़ा सा रोने लगा था, तो मैं उसको ये टॉय दिखा रही थी, इसको देख के वो काफ़ी खुश हो जाता है। और अभी रात के 9 बज गए हैं, तो इस शिवांश को मैंने फीड यूट करा दिया है, उसका तेल मालिश भी हो गया है, उसका सोने का ही समय है, हालांकि वो 10 बजे तक 9:30 तक सो जाता है, तो अभी वो खेल रहा है, तो मैं भी उसके साथ थोड़ी देर खेलूंगी, उसके बाद उसको फिर दोबारा से एक बार फिर से फीड कराऊंगी, ताकि सोते समय उसका पेट अच्छे से भरा रहे। तो बस यहाँ पर यही सब चल रहा है हम लोगों का, और ये आज का मेरा इवनिंग ब्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर ये ब्लॉग बिल्कुल भी चढ़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी कमेंट करने से क्या होता है मुझे पता चलता है कौन मेरे ब्लॉग को देख रहा है, और अगर वीडियो अच्छा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शिवांश की मस्ती चल रही है, वो खेल रहा है अपने टॉय के साथ, अब थोड़ा थोड़ा उसने टॉय पकड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो ये देखिए अभी मतलब वो इसको अट्रैक्ट करता है, तो ये आज मैचिंग हो गया उसका, ये जो चिड़िया है उसकी टॉय और ये उसका टी शर्ट, तो मैं वही दिखा रही थी इसको, थोड़ी देर देखता है इसको पकड़ने की कोशिश करता है, इसको अच्छा लगता है। तो बस अभी इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ, और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।